कहानी एक छोटे से वक्त में बताना 30 मिनट्स के वक्त में बहुत मुश्किल होता है। फीचर फिल्म 2 घंटे की, ग्रेट, यू हैव मोर टाइम, आप ज़्यादा शूट कर सकते हैं, ज़्यादा फुटेज में आप ज़्यादा समझा सकते हैं ऑडियंसिस को, लेकिन एक कम वक्त में एक शॉर्ट फिल्म में इतना डीप सब्जेक्ट फिट इन करना मुश्किल काम था। और जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा हुआ था जिसका टाइटल था काशी करवट द फाइनल हॉल्ट, जो काशी में जो लास्ट करवट होता है मरने के पहले, जो काफ़ी लोग काशी चले जाते हैं मोक्ष पाने के लिए, तो जो काशी करवट होता है उसके ऊपर आर्टिकल था द फाइनल हॉल्ट, कैसे लोग वाराणसी चले जाते हैं मोक्ष पाने और फिर क्या होता है। एक मुक्तिधाम करके जगह होती है काशी में, इनफैक्ट वो रियली है। और मुक्तिधाम में जो लोग चेक इन होते हैं या जो रहने जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि 30 दिन में अगर आप मोक्ष नहीं लिए तो आपको फिर चेकआउट करना पड़ेगा, आपको कहा जाता है कि प्लीज़ लीव। तो इस फिल्म में भी मेरे जो प्रोटैगनिस्ट हैं ये मुक्तिधाम में जाते हैं रहने के लिए और वहाँ पे क्या होता है वाराणसी में, इन शॉर्ट दैट इज़ द स्टोरी। तो ये जो आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में काशी करवट द फाइनल हॉल्ट, ये मैंने पढ़ा हुआ था, तो स्क्रिप्ट जब मैंने सुना तो इट ऑल मेड सेंस और मुझे लगा कि इट्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट टू यू नो मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन। अगर मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा था और मुझे उस टाइप की फिल्में मिल रही थी तो मैं शायद न्यूयॉर्क नहीं जाती फिल्म मेकिंग सीखने के लिए। एक छोटा सा लो आया था जिस टाइम पर मुझे उस टाइप के ऑफर्स, फिल्मों के उस टाइप के ऑफ़र्स आ रहे थे जो मैं करना नहीं चाहती थी और जो मैं चाहती थी वो मुझे ऑफ़र नहीं हो रहे थे। तो मैंने हमेशा ज़िंदगी में मेरे जो नेगेटिव्स या जो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है उसको पॉजिटिव में कैटापल्ट करने की कोशिश की है। और सेम इस सिचुएशन में भी मैंने वही किया। मैंने एक F1 के लिए अप्लाई किया, स्टूडेंट वीज़ा पर मैं चली गई, आई वॉज़ देयर फॉर अबाउट 3 मंथ्स। ये कोई एक साल लंबा कोर्स नहीं था, 3 मंथ्स का था, लेकिन बहुत ही इंटेंसिव था। बिकॉज हम लोग स्कूल शुरू करते थे ऑलमोस्ट 9 o'clock इन द मॉर्निंग टू 6 o'clock इन द इवनिंग और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क शुरू होता था। तो जाके शूट करना, लाइटिंग करना, वो सब यू नो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क इन द मेट्रो, यू नो जहाँ पे मैं रह रही थी, एक दोस्त के घर रह रही थी फॉर 1 month, फिर एक दूसरे महीने में यूनियन स्क्वायर में एक यू नो गेस्ट हाउस में रह रही थी। तो काफ़ी एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखा वहाँ रहकर। जी हाँ, शॉर्ट फिल्मों के लिए आजकल कोई फाइनेंस नहीं करना चाहता है। सब लोग कहते हैं कि हाँ स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है मैं करना चाहूँगा, लेकिन फिर जब एक्चुअली टाइम आता है पैसे डालने के लिए तो लोग थोड़े मुकर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि रिटर्न्स क्या होंगे। ऑब्वियसली मैं समझती हूँ क्योंकि ये कमर्शियल रिलीज नहीं है तो इस पर टर्नओवर मिलना मुश्किल है, क्योंकि थिएटर में आके लोग टिकट नहीं खरीदेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स विल नॉट गेट एनी मनी। ये शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म इज़ मोर कंटेंट फॉर द वेब और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और यू नो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। रेकी करने और मैं वहाँ पे 20 दिन थी एक फ्रेंड के साथ, प्रखर खेमका, जो मेरे साथ इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। और ये बनने के पहले वो मेरा साथ नहीं दे पाए, लेकिन हमने वहाँ पे साथ में बहुत रिसर्च किया, मुक्तिधाम गए हम लोग, वहाँ पे जो लोग एलिंग लोग थे, जो बीमार लोग थे, जो चंद दिनों में जाने वाले थे, उनसे बातें की, उनके साथ समय बिताया, काशी के घाटों पर चले 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 धूप में यू नो गंगा में डुबकी ली, पूजा किया, यू नो संतों से मिले, छोटे छोटे बच्चे संत जो वहाँ पे गुरुकुल में पढ़ते हैं उनसे मिले, हम रिक्शा में ट्रैवल किया यू नो रास्तों पर। तो पूरा एक्सपीरियंस पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया कि इन सब चीज़ों को मुझे फिल्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। और जो हर इंसान वहाँ पे ज्ञानी होता है उनके बारे में सीखा, क्यों किए जाते हैं वो सारे, क्या आत्मा सच्ची में मरने के बाद कहाँ चली जाती है, सिर्फ शरीर मर जाता है आत्मा नहीं, ये सब बहुत ही डीप चीज़ें हैं जो मुझे ज़िंदगी में नहीं लगा था कि मुझे जानकारी कभी मिलेगी या जानने की जानने का एक नीड रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जानी और तब जाके ये फिल्म बनी है। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.